करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीटीईटी परीक्षा को लेकर के, महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। महिला अभ्यर्थी के साथ परिवार का एक सदस्य भी फ्री यात्रा कर सकेगा। रोडवेज में सरकार की तरफ से सुविधा करवाई गई है मुहैया। 5 और 6 नवंबर को होगी सीईटी की परीक्षा। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा मिलेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सीईटी। इस परीक्षा को लेकर के महिलाओं को एक बड़ी राहत मिली है। 5 और 6 नवंबर को सीईटी की परीक्षा होनी है। रोडवेज में सरकार की तरफ से ये सुविधा मुफ्त में मुहैया करवाई गई है। ये बड़ी राहत मिली है उन परिवारों को जिनके घर से बेटी या बहू परीक्षा देने के लिए जाएगी परीक्षा केंद्रों पर, तो उनके जो परिजन होते हैं, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचता है, तो उनको भी ज़्यादातर ये देखा गया है, तो उनको ये राहत मिली है कि अगर कोई महिला या कोई बेटी अगर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए जा रही है तो उनके साथ में परिवार का एक सदस्य भी जा सकेगा, उसमें चाहे वो उनका पति हो, पिता हो या फिर कोई भाई हो, तो वो भी उनके साथ में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। ये बड़ी राहत दी है सीईटी परीक्षा को लेकर के महिलाओं को, ये बड़ी राहत मिली है। महिला अभ्यर्थी के साथ परिवार का एक सदस्य भी फ्री में यात्रा कर पाएगा। रोडवेज में सरकार की तरफ से ये सुविधा जो है वो मुफ्त में मुहैया करवाई गई है। 5 और 6 नवंबर को सीईटी की परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। विनय चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ के अधिक जानकारी के साथ। विनय, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर के बारे में, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए जितेंद्र, ये पहले ही साफ था कि इस बार पूरी तैयारी, क्योंकि हम पिछले लगभग एक महीने से देख रहे हैं कि चाहे वो आयोग की तरफ से बात कर लीजिए या सरकार के लेवल पर या प्रशासन के लेवल पर, इस परीक्षा को लेकर तैयारी की ही जा रही थी। और कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया था कि रोडवेज की तरफ से अभ्यर्थियों को फ्री सेवा दी जाएगी उनको लाने ले जाने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो एक संशय बना हुआ था, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि महिलाओं को, महिला अभ्यर्थी जब भी होती है तो उनको दिक्कतों का सामना करना ही होता है, लेकिन इस बार ये बहुत अच्छा है कि एक तो फ्री यात्रा होगी, इसके अलावा एक परिवार का सदस्य कोई भी उनके साथ जो परीक्षा करवाने के लिए जाएगा, जो आमतौर पर ऐसा होता है हम देखते आए हैं, तो उनके लिए भी फ्री में बस यात्रा दी जा रही है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अभी जहां तक है एक या दो दिन में, या फिर हम जिस तरह से परीक्षा की पहले की ही बात करेंगे तो ये साफ हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांग जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर जहां तक सामने आने वाली है। और ये माना जा रहा है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनका जो सेंटर होगा, कोशिश यही रहेगी कि उनके आसपास ही हो, उनको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। हालांकि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी ऐसा ही किया गया है कि उनका सेंटर बहुत ज्यादा दूर नहीं रखा जाएगा, ये पहले ही साफ कर दिया गया था भोपाल सिंह की तरफ से, जो कि चेयरमैन हैं। और अगर इस बार की अगर आप परीक्षा की बात करेंगे तो परीक्षा को लेकर इस बार भी ये साफ कर दिया गया था कि हमारी तैयारी पहले से कहीं बेहतर है, चाहे वो नकल रहित परीक्षा को लेकर बात करेंगे या फिर आप बात करिए कि किसी भी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यही सभी से अपील की थी, जो आम जनता है, कि इस दिन कोशिश करें कि आप रोडवेज की बसों को अवॉइड करें यात्रा करने के लिए, क्योंकि उस दिन परीक्षा है 5 और 6 तारीख को, और इस दिन में क्या होगा कि अभ्यर्थियों के लिए बस सेवा लगी होगी, तो उस दिन शायद दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में उनके इस बयान से ही साफ हो गया था कि तैयारियां पूरी की गई हैं, अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और बहुत सारे इस बार रूल, हम अगर आप कहेंगे तो इस बार नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिस तरह की हम देखते हैं कि 4 ही विकल्प होते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 5 विकल्प दिए गए हैं आंसर के लिए। और पांचवा विकल्प जो है उसमें यह है कि आप अब खाली नहीं छोड़ सकते हैं, आपको एक अगर चारों आंसर में से कोई आंसर नहीं देना है तो आपको पांचवें आंसर यानी कि कोई भी विकल्प नहीं इनमें से, उसको टिक करना ही होगा, उसके लिए भी 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी 105 मिनट का पूरा एग्जाम होगा। तो इस बार तैयारी हर तरह से है, नकल रहित परीक्षा को लेकर भी है, आप अगर प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो उनको भी पूरी सिक्योरिटी के साथ लॉकर में रखा गया है और सिक्योरिटी के साथ ही वहां पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उनके परिजनों के लिए
और उनके लिए दोनों के लिए राहत की बात यह है कि आपको फ्री में यात्रा करनी होगी। आपके लिए स्पेशली एक ऐप बनाया गया है, पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिससे कि आपको जितनी भी बस चलेंगी सेंटर के लिए, क्योंकि लगभग 2000 के करीब केंद्र बनाए गए हैं, 17 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ये केंद्र बनाए गए हैं, 5 जिलों को छोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नकल की संभावना ज्यादा होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑनलाइन ही ये चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ से बस लेनी है, कहाँ से आपको बस नहीं लेनी है, कहाँ आपको किस टाइम पर मिलेगी, आपको सेंटर तक पहुंचाएगी, सेंटर तक पहुंचाएगी तो उसके आगे अगर सेंटर तक नहीं पहुंच पाती है मान ली किसी वजह से, तो प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है, सारी जानकारी अभ्यर्थियों को बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल, इसमें आपने बात की नकल रहित परीक्षा करवाने की, तो नकल के लिए मुख्यमंत्री भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ सेंटर नहीं बनाया गया है, तो उन जिले के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या आसपास के जिलों में ही परीक्षा देने के लिए जाना होगा या कहीं दूर जाना पड़ सकता है? देखिए, जैसे कि दिव्यांग और महिलाओं के लिए तो साफ है, लेकिन अब जैसे जैसे क्योंकि 2 नवंबर का दिन था, कल के दिन की अगर आप बात करें तो उस दिन से डाउनलोड होना शुरू हो गया है, जो भी आपके हॉल टिकट है वो आपके डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं, एडमिट कार्ड आपके जो भी थे वो शुरू हो गए हैं डाउनलोड होने, तो उसमें आपको सेंटर के बारे में साफ हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको दूसरी जगह, जैसे कि अगर चरखी दादरी की बात करें या इसी तरह के 5 जिले जो हैं, जो कि 5 जिलों में बिल्कुल सेंटर नहीं बनाए गए हैं, तो ये पहले ही साफ कर दिया गया था आयोग की तरफ से भी, और ये कोशिश की जा रही है कि उनको उनके लगते जिले में ही जाना पड़े, ज्यादा दूर ना जाना पड़े, और हर किसी के लिए यही कोशिश की जा रही है। हाँ, हर बार देखने को मिलता है, इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, और जब आप इतने बड़े लेवल पर परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर तरीके से हो जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो माना यही जा रहा है कि अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस परीक्षा को लेकर, तो दिक्कतें तो कहीं ना कहीं आएंगी ही। जी, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये सीईटी परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए ही एक बड़ी राहत की खबर है। अब उनके साथ जाने वाले एक परिवार के सदस्य को भी मुफ्त यात्रा का लाभ जो है वो मिल पाएगा। अभ्यर्थी के साथ परिवार का एक सदस्य फ्री यात्रा कर पाएगा परीक्षा सेंटर से लेकर के अपने नजदीकी बस स्टैंड तक, ये सफर जो है वो कर पाएंगे। 5 और 6 नवंबर को सीईटी की परीक्षा प्रदेश भर में हो रही है। 5 जिले ऐसे जरूर रखे गए हैं जहां पर परीक्षा केंद्र नहीं होंगे, लेकिन बाकी सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो भी जारी कर दी गई है, और एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड हो रहे हैं, उनमें साफ हो जाएगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है। और वहीं अगर महिलाएं अभ्यर्थी जो हैं वो भी परीक्षा देने के लिए जा रही हैं, तो उनको आप टेंशन लेने की, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी एक जो परिवार का सदस्य है वो उनके साथ मुफ्त में यात्रा कर पाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है सीईटी अभ्यर्थियों के लिए। और अब आदमपुर के महासंग्राम की बात करेंगे। आदमपुर का महासंग्राम लगातार जारी है। आदमपुर के महासंग्राम में वोटिंग लगातार जारी है, 7 बजे से वोटिंग चल रही है, और आपको पल पल की अपडेट भी हम पहुंचा रहे हैं किस तरह से वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। और ये बड़ी खबर अब आप देखिए, आदमपुर उपचुनाव को लेकर के वोटिंग लगातार जारी है, वोटिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद, यहां पर उपचुनाव हो रहा है, और इस उपचुनाव में एक कड़ा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। आज आदमपुर में 180 बूथों पर मतदान हो रहा है, कुल 180 पोलिंग पार्टियां हैं, 20% पार्टियां रिजर्व हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,71,473 कुल वोटर्स हैं, जिनमें से अगर महिला और पुरुष वोटर्स की बात करें तो पुरुष वोटर्स 91,805 और महिला 79,668 मतदाता यहां पर हैं। 36 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा 39 जो पोलिंग बूथ हैं वो अति संवेदनशील हैं, सभी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वोटिंग का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था, और आपको बता दें 6 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। गठबंधन सरकार के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी जेजेपी का, उसकी तरफ से उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया।
इनेलो की तरफ से कोरोना राम नंबरदार, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी मौका देखते हुए यहां पर किस्मत को आजमा रही है। सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद यहां पर चुनाव हो रहा है और महत्वपूर्ण ये चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव में कई महत्वपूर्ण उम्मीदवार यहां पर हैं। खासतौर पर चार उम्मीदवार जो हैं वो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उनका प्रदर्शन, उनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें हैं। प्रदेश में इनेलो का जनाधार जिस तरीके से पूरी तरह से खिसकता हुआ दिखाई दिया, सिर्फ एकमात्र एक विधायक अभी तक उनके पास है, तो ऐसे में दावेदारी वो 2024 के लिए जरूर कर रहे हैं। और अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिस्पॉन्स आदमपुर की जनता इनेलो को देती है। कोड़ाराम नंबरदार एक साफ छवि वाले नेता, उनको उम्मीदवार बनाया गया। और वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपने पैर जमाने की कोशिश की शुरुआत आदमपुर से करना चाहती थी, लेकिन चुनाव प्रचार में थोड़ी ढील दिखाई दी क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले थे, वो भी नहीं पहुंचे अंत तक। हालांकि उससे पहले जरूर एक रैली को संबोधित उन्होंने किया, लेकिन सत्ता दल की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अंतिम समय में वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर, भजनलाल परिवार ने मतदान किया है। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई ने वोट डाला और साथ में भव्य की दादी जस्मा देवी भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। भजनलाल परिवार ने वोटिंग से पहले भजनलाल का आशीर्वाद लिया, समाधि स्थल पर पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई पूरा परिवार वहां पर स्वर्गीय भजनलाल से आशीर्वाद लेने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंचा था। और उससे पहले शिव मंदिर भी पहुंचे थे कुलदीप बिश्नोई अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ। शिव मंदिर में पहुंच करके उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक भी किया और आशीर्वाद लिया। कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई की जीत का दावा भी किया है। वोट डालने के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि भव्य बिश्नोई की जीत पक्की है और एक तरफा ये मुकाबला बताया कुलदीप बिश्नोई ने, लेकिन मुकाबला कड़ा माना जा रहा है भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी एक बयान दिया और उन्होंने भी अपने बेटे भव्य की जीत का दावा किया है। भव्य बिश्नोई की जीत पक्की है ये कहती हुई नजर आई रेणुका बिश्नोई। और अब वोटिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। ये देखने वाली बात होगी कि मौका किसे देगी यहां की जनता। ये वो तस्वीरें आप देखिए जब स्वर्गीय भजनलाल की समाधि पर पहुंचा था पूरा परिवार आशीर्वाद लेने। भजनलाल परिवार का गढ़ मानी जाती रही है आदमपुर की सीट और भजनलाल क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनको युग पुरुष, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे में उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और उससे पहले शिव मंदिर में भी पहुंचे थे कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई। शिवलिंग का अभिषेक उन्होंने किया और पूजा अर्चना भी यहां पर की गई। उसके बाद वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वोट डालने के बाद उन्होंने जीत का दावा भी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर से मेरी प्रार्थना है कि अपने बुराई की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से, और लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको एग्जाम तो दे दिया? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बढ़ाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, अभी मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे। बिश्नोई साहब, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे, तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए बुरा हाल रहेगा जमाना, जबकि हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम दूर जुटाने का काम। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार है, आप यहाँ रहने वाले नहीं है, भव्य यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं, आपका क्या जवाब है? 55 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको देखा जाए तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि भव्य का यह सम्मान करने से आदमपुर का जो परिवार 55 साल से हमारे उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त। ये जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए विरोधियों से ये पूछा कि ये पिछली बार, पिछली दफा कौन से सन में आई? 2009 के बाद आज उनको आदमपुर याद आए, तो
कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी तब आदमपुर की याद ही आई उन्हें। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महाजनता का, छत्तीसगढ़ बरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आ जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला भजनाथ जी के बराबर को आगे बढ़ाने का, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और बात रही सेवा की निष्ठा के साथ नहीं सोच रहे। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं, आशीर्वाद मिलेगा। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट वोटिंग को लेकर? केंद्र अभी आदमपुर उपचुनाव में सभी 180 पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं उनमें पोलिंग जो है वो स्मूथ चल रही है, और अगर बात करें उम्मीदवारों की और साथ साथ नेताओं की, तो विशेष रूप से चौधरी भजनलाल का परिवार जिसमें उनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायक जसमा देवी, उनके पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई उनके पुत्र हैं, इसके अलावा चैतन्य बिश्नोई भव्य बिश्नोई के भाई हैं, रेणुका बिश्नोई हैं पूर्व विधायक और भव्य बिश्नोई, इन्होंने 54 नंबर जो बूथ है अनाज मंडी क्षेत्र में पड़ता है यहाँ अपना मतदान किया, और साथ साथ अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र सिंह ने उसमें जो उनका जो बूथ नंबर 143 नियोजित खुर्द गांव में पड़ता है वहां उन्होंने मतदान किया है। कुलडाराम नंबरदार ने अपने जो उनका बूथ पड़ता है बालसमंद में वहां उन्होंने मतदान किया। तो इस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं वहां टेंट लगे हुए हैं, तमाम जो उम्मीदवारों ने अपने अपने लगाए हैं वहां अपना हौसला बढ़ाने के लिए भी उनके लिए नेता पहुंच रहे हैं, उम्मीदवार पहुंच रहे हैं, और लगातार दावों का दौर जो है वो अब भी जारी है। अभी कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को सुन रहे थे, वे लगातार यही दावा कर रहे हैं क्योंकि यह सीट चौधरी भजनलाल की परंपरागत सीट उस परिवार की रही है। 54 साल का लंबा सफर आदमपुर ने चौधरी भजनलाल परिवार के साथ तय किया है, और इस चुनाव की खास बात यह भी है कि 3 उपचुनाव पहले हो चुके हैं, 4th उपचुनाव इस सीट पर होने जा रहा है, हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और साथ साथ अगर बात करें तो जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हालांकि उनका यहाँ वोट नहीं है लेकिन वे 13 साल बाद इस चुनावी समर में आदमपुर के में उतरे हैं, और इससे पहले निश्चित रूप जैसा कि अभी कुलदीप बिश्नोई बता रहे थे कि पहले वे भजनलाल से भी चुनाव हार चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई से भी हार चुके हैं, और अब तीसरी बार वे भव्य बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल के पोते हैं उनके सामने चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ये कई मामलों में अनूठा चुनाव है, देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मतदाता कितनी जो संख्या में मतदान करते हैं। लगातार यही अपील की जा रही है, प्रशासन की भी यही अपील थी कि एक एक वोट है वो भुगतना चाहिए। करीब 1,72,000 मतदाताओं पर आधारित यह आदमपुर पूरा क्षेत्र है, और 180 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ है जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं, और मतदान की प्रक्रिया अभी समूह चल रही है, कोई ऐसी बातें सामने नहीं आई हैं, और देखने वाली बात होगी कि मतदाता किस ओर रुख करते हैं। 6 नवंबर को काउंटिंग होगी, उसके लिए प्रशासन तैयार हो जाएगा। जी केंद्र जी, लेकिन अमित अगर बात करें तो लोगों में किस तरह का वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं बल्कि एक उपचुनाव है, और ये उपचुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता पक्ष में आने का एक मौका मिलेगा एक लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद आदमपुर की जनता के पास। तो वहीं ये भी तय करना है वहां की जनता को कि क्या अभी भी विपक्ष में रहना है या फिर सत्ता पक्ष के साथ जाना है, और साथ में भजनलाल परिवार के साथ भी लंबा एक सफर आदमपुर की जनता का रहा है, तो उसमें भी एक मौका है कि क्या अभी भी भजनलाल परिवार को ही मौका यहां से देना है, या जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से दावे किए गए, जो तमाम बातें कही गई उन पर भी यहां पर फैसला लेना है आदमपुर की जनता को। तो आदमपुर की जनता में कैसा उत्साह सुबह सवेरे से ही देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से हितेंद्र, जो आपने बातें रखी हैं वो काफी जो इस हलके के लिए लिहाज से काफी जरूरी बातें हैं, और यही सब चीजें मतदाता देखेगा भी। हालांकि अगर बात करें तो 54 साल का सफर थोड़ा नहीं होता, इसीलिए इसे चौधरी भजनलाल का अभेद्य दुर्ग इसे कहा जाता है, जिसे आज तक कोई भी बड़े बड़े नेता आए वो यहाँ से इसे भेद नहीं सके। यह दुर्ग जो है आज तक दुर्ग ही बना रहा है, और सबसे अहम बात है कि यहाँ बड़े बड़े जो नेता, अगर बात करें चौधरी देवीलाल 1972 में यहाँ से चुनाव में हार चुके हैं,
और इसके बाद सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के पुत्र वह भी चुनाव में हारे, तो बड़े बड़े नेता भी उतरे चुनाव मैदान में, लेकिन आदमपुर की जनता ने कभी भी जो अपना मुंह नहीं मोड़ा भजनलाल परिवार से, और आज यह तीसरी पीढ़ी भजनलाल की इस चुनाव मैदान में उतरी है। तो देखने वाला यही रहेगी कि अब क्या रुख जो रखते हैं मतदाता। हालांकि सीधे रूप में बात करें 1996 में चौधरी भजनलाल सत्ता से अलग हुए थे, यानी कि वो जब मुख्यमंत्री बने 1991 में और 96 तक वे मुख्यमंत्री बने रहे, उसके बाद जो है वे कभी आदमपुर हलका जो है सत्ता में सीधे रूप में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस में भी रहे, हजका में भी बनी, लेकिन सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच सकी। अब भाजपा में आए हैं और अभी सरकार के 2 साल पड़े हैं, तो ऐसे में अहम बात यही है कि क्या 26 साल बाद इस हलके का राजनीतिक बनवास जो था वो अब दूर होने वाला है, वो पूरा होने वाला है, और क्या आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को जिताकर, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भव्य बिश्नोई का हाथ मुझे पकड़ा दो फिर मैं आदमपुर की कायाकल्प कर दूंगा, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ने भी जोर शोर से वहां सभी जो उम्मीदवार जो नेता वहां पहुंचे थे उन्होंने भी कही, और एक गठबंधन की मजबूती दिखाने का भी संदेश दिया। तमाम बातें इस चुनाव में नयापन काफी जो लेकर आया हितेंद्र। अब देखने वाली बात होगी कि हलके के मतदाता का मूड क्या है, क्योंकि सामने वाले जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने कभी, अगर आम आदमी पार्टी के लोगों की बात करें तो उन्होंने विलायती कलायती और बागड़ी का मुद्दा उठाया, अगर आदमपुर की जनता की बात करें तो उन्होंने अपना विश्वास जताने की बात की। आदमपुर हलके की अगर बात करें तो 3 इसे जोन में बांटा जाता है, अगर अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो आदमपुर एक ब्लॉक बनता है, दूसरा काजला ब्लॉक बनता है, तीसरा जो है वो सीसवाल बालसमंद वाला इलाका वो एक तीसरा ब्लॉक है। तो इन तीनों ब्लॉकों में तीनों जोनों में किस प्रकार की पकड़ जो मतलब बनाई गई है, तमाम उम्मीदवारों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अगर मुकाबले की बात करें तो यहाँ सीधे रूप में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार में ही टक्कर दिखाई दे रही है। उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह भी है, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, इनेलो के कुलडा राम मेंबर कार भी है, और इसके अलावा और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला जो देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच ही है। देखने वाली बात हो कि मतदाता किससे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्या वो भजनलाल की विरासत को बचाने के लिए बचाए रखने के लिए अपना सहयोग देगा भव्य बिश्नोई को, ये तमाम सवाल हैं जो आज मतदाता के जहन में है, और अभी वे धीरे धीरे करके अपनी जो अपने अपने बूथों पर जा रहे हैं मतदान करने के लिए, और शांतिपूर्ण मतदान करने करवाने के लिए ऐसा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है, पुलिस लगातार यहाँ अपनी गश्त बढ़ाती रही है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी यहाँ तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। जी जी, क्योंकि परिवार के ज्यादातर सदस्य जो है वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, चाहे बात भजनलाल की करें या उनकी पत्नी जसमा देवी की करें, अब कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और अब उनकी तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई के ऊपर अपने परिवार का गढ़ बचाने की चुनौती है। बात बीजेपी के दृष्टिकोण से करें तो 2 चुनाव अभी तक उपचुनाव हुए हैं इस कार्यकाल में, दोनों में हार का सामना करना पड़ा बीजेपी जेजेपी गठबंधन को। अब यहाँ पर बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक 7 बार की अगर बात करें 7 बार यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, अभी तक कमल यहाँ पर इस सीट पर नहीं खिला, और ऐसे में भजनलाल परिवार इस बार 7वें हैं, तो एक उम्मीद है कि बीजेपी का कमल जो है वो यहाँ पर खिलता हुआ दिखाई देगा। तो कितना दिलचस्प ये मुकाबला जो है वो रहने वाला है। निश्चित रूप से हितेंद्र, अगर बात करें तो आदमपुर के चुनावी क्षेत्र में कभी कमल नहीं खिला, हालांकि कोशिश बड़ी बड़ी हुई है लेकिन सफलता कभी नहीं मिली। अगर टक्कर देने की बात करें, सोनाली फोकाट उतरी थी मैदान में, उन्होंने मजबूती से टक्कर दी थी लेकिन वो भी पराजित हुई थी 30,000 के करीब वोटों के अंतर से। लेकिन इस बार जो है वो कोशिश अलग ढंग से हुई है, क्योंकि जो राजनीतिक परिवार यहाँ की विरासत को संभालता रहा है, और आपने सही कहा कि भजनलाल परिवार के, मैं ये कहूंगा कि भजनलाल परिवार के 4 सदस्यों की राजनीतिक पिच और राजनीति में एंट्री, विधानसभा में एंट्री के लिए यह विधानसभा, यह आदमपुर क्षेत्र ही बना है उसकी, उसका प्रथम पायदान, जिसमें चौधरी भजनलाल ने यहाँ से 1967 में चुनाव लड़ा, उसके बाद वे कभी यहाँ से हारे ही नहीं, उनका परिवार कभी नहीं हारा। और अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई 1998 में बाई इलेक्शन हुआ, उसके जरिए वे
यहाँ आदमपुर की के जरिए ही वे सियासत में उनकी एंट्री हुई। उसके बाद चश्मा देवी की भी यहाँ से एंट्री हुई, चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी है, और रेणुका बिश्नोई की भी यहाँ से एंट्री हुई। अब चौथा अगर बात करें तो चौथा ऐसा शख्स है, चौथा ऐसा उनका पारिवारिक सदस्य है भव्य बिश्नोई, जो अपनी किस्मत के लिए उतरा है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आदमपुर का महासंग्राम आज जारी है, वोटिंग का दिन है, मतदान चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। और एक बड़ी खबर इस बीच ये सामने आ रही है, इनेलो उम्मीदवार कोडाराम ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय निवासी हैं, साफ छवि है, इनेलो ने उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस के भागी रहे इसलिए बूथ नंबर 174 पर मतदान करने के लिए पहुंचे। वोटिंग के बाद कोडाराम ने बयान भी दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये चुनाव किसान के लिए है, कोडाराम ने ये किसान कार्ड खेलने की कोशिश की है। हालांकि किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे और इसीलिए इनेलो की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। कर्मचारी, छोटे व्यापारियों और मजदूरों के लिए ये चुनाव है, आज किसान मजदूर जीतेगा, ये कोडाराम ने दावा किया है। और आदमपुर हल्के में जयप्रकाश ने 2009 में चुनाव लड़ा, जेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए क्योंकि जेपी से ही नाराज हुए थे, आज दोबारा से 2022 में चुनाव लड़ने आए हैं। और इसके बीच में प्रदेश में किसान बदहाली का सामना कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इनेलो उम्मीदवार कोडाराम ने अपना मतदान किया है और मतदान करने के बाद उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और इसके अलावा किसान और मजदूर की लड़ाई का जिक्र वो करते हुए नजर आए, किसान मजदूर के हितैषी अपने आप को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर की जीत होगी इस चुनाव में, ये चुनाव किसान के लिए है, किसान मजदूर के लिए है, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए कोडाराम नंबरदार। इनेलो की तरफ से उम्मीदवार है और उम्मीदवार घोषित किए जाने से एक दिन पहले तक वो कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस से नाराजगी क्योंकि कांग्रेस ने जैसे ही जेपी के नाम का ऐलान किया तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद कोडाराम नंबरदार कांग्रेस से अलग हुए, इनेलो के उम्मीदवार घोषित किए गए। और अब मतदान के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया, जेपी पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आए, कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए। कुलदीप बिश्नोई से भी बुरा उम्मीदवार उन्होंने बताया जेपी को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में। और अब मतदान के बाद भी जेपी पर ही निशाना साधते हुए नजर आए कि 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए हैं जयप्रकाश आदमपुर में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग के बाद कोडाराम नंबरदार का ये बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि ये चुनाव किसान के लिए है। क्या कुछ कहा है कोडाराम नंबरदार ने आपको सुनवा देते हैं। ये चुनाव, पहले अलकावासियों को नमस्कार, ये चुनाव किसान, छोटा दुकानदार, कर्मचारी, मजदूर, छोटा व्यापारी और दूसरी तरफ दो पूंजीपति काला धन कमाए के ने जो है एक विदेश में सारा धन ले गया और एक दिल्ली और बम्बई में बड़े बड़े उसके मॉल और होटल और पता नहीं क्या क्या पेट्रोल पंप वगैरह है वो दोनों के बीच है। आज किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, दुकानदार जीतेगा, छोटा व्यापारी जीतेगा, कर्मचारी जीतेगा। एक फोटो दिखा दीजिए, आदमपुर हल्के में जयप्रकाश ने 2009 में चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद 5 साल सत्ता में रहा, 2009 से लेके 14 तक, आज दोबारा फार्म भरने के लिए आ गया, उसके बीच में आदमपुर हल्के की जनता को शकल तक नहीं दिखाई जबकि उसने बराबर का वोट लिया था, हार जीत लगी रहती है, 42,000 वोट उसको भी मिले थे। आज दोबारा 2022 में चुनाव के, आज स्कूलों में, हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं है, रोडों का बुरा हाल है, आज किसान को खाद नहीं है। आज जो मतदान हो रहा है क्या अपील करना चाहेंगे और बाढ़ समुद्र में आपका बड़ा गांव है कैसा माहौल? देखो ये चुनाव मैंने बताया ना किसान और दो पूंजीपतियों के बीच है
बहुत ही अच्छा माहौल है। गांव बालसमंद एक तरफा वोट डाल रहा है, इसी तरह पूरा हल्का बड़े उत्साह के साथ जो है वोट डाल रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। आदमपुर उपचुनाव पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आदमपुर सीट के लिए हो रहा है उपचुनाव, हुड्डा ने अपने ट्वीट में ये बातें कही हैं। मतदाताओं से भूपेंद्र हुड्डा ने अपील की है, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील तमाम जो सियासी दिग्गज हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट करके ये अपील की है कि आज आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, आप सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि अपना वोट जरूर डालें और अपने परिवार दोस्तों व पास पड़ोस के मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। चलिए इसी बीच हमारे साथ बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सर। जी आज वो घड़ी वो मौका अब आदमपुर की जनता के पास है कि किसे चुनना है, लेकिन आज भी वार पलटवार चल रहा है। बजरंग दास गर्ग जी, कोड़ाराम नंबरदार अभी सुन रहे थे हम, वो कह रहे थे कि दो पूंजीपतियों के बीच ये मुकाबला है और इस बार किसान और मजदूर की जीत होगी, और साथ ही साथ जेपी पर खासतौर पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि जेपी 2009 में चुनाव लड़ने आए थे, उसके बाद कभी शक्ल दिखाने तक नहीं आए और अब एक बार फिर से चुनाव लड़ने आ गए। वहीं कुलदीप बिश्नोई का भी इससे पहले बयान सामने आया, वो भी कह रहे थे कि जेपी तीसरी पीढ़ी से भी हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए जी, मैं कोड़ाराम नंबरदार जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, इस चुनाव के अंदर किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, व्यापारी जीतेगा, आम जनता आदमपुर की जीतेगी जी। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जयप्रकाश किसान का बेटा है, कोई उद्योगपति नहीं है, ना उसकी कोई मिल चल रही है, और जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति है, 3 बार लोकसभा किसान से सांसद रहा, केंद्र में मंत्री रहा, आदमपुर में चुनाव लड़ा, बरवाला हिसार जिले के अंदर वहां से विधायक रहा, और दावे के साथ करता हूं, कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज किसी की कोई दुकान नहीं है। आज सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है। आप देखिए 8 साल के कार्यकाल के अंदर आदमपुर का विकास के बजाय इस सरकार ने विनाश किया है। सड़क नाम की चीज नहीं, पीने का पानी नहीं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आज व्यापारी का व्यापार छीन लिया, उद्योगपतियों के आप मानते हो जितनी फैक्ट्रियां थी, नर्मा की फैक्ट्री, कपास की फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऑयल मिले बंद हो गई, गवार की फैक्ट्री बंद हो गई। और मेरे साथियों से पूछना चाहता हूं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, गांव स्तर के ऊपर आदमपुर के अंदर जो उद्योग लगे हुए थे वो 90% उद्योग बंद हो गए। मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे भाइयों को जो लाखों को रोजगार मिलता था वो सारा रोजगार छीन लिया। क्या किस चीज की वोट मांगते हैं सरकार वाले? अरे कि 8 साल में जिसे फली नहीं फोड़ी हो, 8 साल में आप देखिए मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, बिल्कुल 7-5 मीटर की 10 मीटर की दूरी के ऊपर हजारों किसान डीएपी खाद लेने के लिए लहर लगा रखी लंबी लंबी, वो खाद नहीं मिल रही है, तो खाद ही नहीं मिलेगी तो अगली खेती कैसे करेगी? इनके राज के अंदर 750 किसान मर गए, किसान भूलने वाले हैं क्या? किस प्रकार इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आज भी सैकड़ों किसानों को जेलों में ठोका हुआ है, उन पर लाठियां चार्ज की, उन 750 किसान शहीद हो गए, और आज भी स्कूल बंद पड़े हैं, सरकारी स्कूल के बाहर बच्चे ताला लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं वहां हड़ताल पर बैठी है। वो जो किसान कोड़ाराम नंबरदार जी बोल रहे थे वो हमारे सीनियर साथी है, मेरे सीनियर है और बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आज बालसमंद और आदमपुर दोनों जगह किसान मुआवजा लेने के लिए धरने पर बैठे हैं। सरकार किसान की वोट मांगती है? बिल्कुल। सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आपने सुना बजरंग दास गर्ग जी को? आपने सुना होगा, लंबा भाषण सुना। बिल्कुल, बजरंग दास जी को भाषण सुना। बजरंग जी को और उनकी नेताओं को जनता तो सुनती नहीं है,
अब हमारी और आपकी मजबूरी है कि इनको बैठाना है और ये भाषण देंगे और सुनेंगे जी। लेकिन बजरंग दास जी आप नजदीक रहते हैं आदमपुर के, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, दूर वाले को अच्छा दिखता है, नजदीक वाले को हरा हरा दिखता है। और शाम तक आपके बोरिया बिस्तर जयप्रकाश जी के बनकर एक रिकॉर्ड बन रहा है हरियाणा में, एक आदमी एक पीढ़ी के तीन लोगों से हार कर तीसरी हार, दादा से, पिता से और पोते से, तीन लोगों से हार के, और वो एक जो हैट्रिक बनानी होती है चुनाव की, वो आज जयप्रकाश जी के द्वारा जनता आदमपुर की बनाएगी। और निश्चित रूप से सोचिए ये जो बनावटी आप आंकड़े देते हो, पहले 200 से लगे थे, 400 हो गए, 500 हो गए, आज 700 हो गए, कल 1000 तक भी किसानों के नाम लोगे, इन बातों से किसी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप धरातल की बात किया करो और धरातल से जुड़े रहोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के राज में गोलियों से मारे थे, कांग्रेस के बजरंग दास जी आपको भी मौका मिलेगा सर, आपको भी मौका मिला है, पहले आपने दे दिया है। क्यों चिंता कर रहे हो, मेरी बात सुन लो जरा। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने उन किसानों के नाम और गांव और जगह बता सकता हूँ जिनके सीने में और माथे में गोलियां लगी थी किसानों की मांग पर। हरियाणा की वर्तमान सरकार और केंद्र की सरकार में किसी एक किसान के ऊपर गोली नहीं चली आज के इन 8 सालों के इस राज्य के अंदर। आप किस किसान की बात करते हो जिनके मुआवजे आप 2-2 रुपया भेजते थे, इनकी बात करते हो जिनके आप बीमे की व्यवस्था नहीं थी, इनकी बात करते हो जिनकी फसलें एमएसपी पर खरीदी नहीं जाती थी। आज हरियाणा के अंदर देश के नहीं दुनिया के किसी भी स्टेट के द्वारा 14 एमएसपी पर जो है फसलें खरीदी जाती है। आज 40,000 रुपया मुआवजा दिया जाता है किसानों को, और बीमा एक एकड़ के आधार के ऊपर बीमा पॉलिसी लागू है। कहां से कहां पहुंच गए हरियाणा, आप पिछली बातों को लेकर घूम रहे हो, और यदि पिछली बातों को भी लेकर घूमते हो तो पिछली बातों को याद तो करो कि तुम्हारे राज्य में किन किन स्थानों पर किसानों को, मैं उन गांवों को हरा नहीं करना चाहता, उन लोगों को वो याद नहीं दिलाना चाहता जिन किसानों की मांग के ऊपर आपने गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतारा था। हरियाणा की वर्तमान सरकार किसान के लिए आज तक 48 साल के अंदर जितना पैसा किसान के खाते में नहीं गया था, उतना पैसा इन 8 साल में किसान के खाते में हरियाणा सरकार के अकाउंट से गया है। लाखों करोड़ रुपया आज तक हो गया, 1,00,000 करोड़ के आसपास सरकार ने किसानों को मुआवजा और एमएसपी के रूप में दिया है। आप किस पर किसी प्रकार की भी कोई तथ्यात्मक बात करेंगे तो जनता के सिरे उतरेगी। आप उस सीट के लिए बात कर रहे हो जिस सीट पर भजनलाल परिवार ने सारी उम्र भर चुनाव जीते हैं, उन पर हारने की बात करते हो, और मैं कहता हूँ यदि आप यदि ये सीट हार जाती बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत शास्त्री जी, बिल्कुल सत्यव्रत शास्त्री जी, आज दिन भर ये चर्चा का दौर जारी रहने वाला है, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो सुबह से ही मतदान का जो सिलसिला है वो जारी है, सुबह 7 बजे ही मतदान का दौर जो है वो शुरू हो गया था, और आदमपुर की जनता वोट कर रही है, मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, और अपना जो प्रतिनिधि होगा उसको चुनने का काम कर रही है। ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी, करीब 22 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 उम्मीदवार इस आदमपुर के महासंग्राम में सामने हैं। ये चारों उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस की तरफ से जेपी, इनेलो की तरफ से कोडाराम, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। और सुबह से ही लगातार वोटिंग का सिलसिला जो जारी है, और अपनी जो किस्मत का फैसला है, अपनी जो किस्मत है वो आजमा रहे हैं कई उम्मीदवार, और उनकी किस्मत का फैसला 6 तारीख को हालांकि सामने आएगा, लेकिन आज कैद हो जाएगा ईवीएम में। जनता को कौन लुभा पाया, किसने ज़्यादा जनता को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि परिवार का साथ रहा और परिवार की छवि अच्छी है, परिवार की पकड़ मजबूत है क्षेत्र में, तो इसलिए भव्य बिश्नोई को ज़्यादा फायदा हो सकता है। सत्ता पक्ष में जाने का एक इच्छा होती है जनता की, तो वो भी फायदा भव्य बिश्नोई को हो सकता है, तमाम जो पहलू हैं। लेकिन कुछ नाराजगी भी है कुलदीप बिश्नोई से, भजनलाल परिवार से, आम लोगों की, तो उसका फायदा जो है वो दूसरे किसी अन्य उम्मीदवार को हो सकता है, और उसका नुकसान भव्य बिश्नोई को हो सकता है। और वहीं अगर बात करें जयप्रकाश की, तो जयप्रकाश पहली उम्मीद है खासतौर पर जाट वोटर्स की, क्योंकि जाट वोटर्स काफ़ी अहम हैं
इस क्षेत्र में जाट वोटर्स की भी भूमिका काफी अहम है, लेकिन उसके अलावा जो नॉन जाट वोटर्स हैं उसमें मजबूत पकड़ है भजनलाल परिवार की, और आज ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। जयप्रकाश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मुख्य उम्मीदवार हैं और उनके भी पक्ष और उनकी भी काफी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अगर उनके पक्ष की बात करें तो उनका पक्ष यही मजबूत है कि वो एक कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कई बार के प्रतिनिधि रह चुके हैं, हिसार से सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं अलग क्षेत्रों से। तो ऐसे में एक बड़ी उम्मीदवारी, बड़ी दावेदारी उनकी है 2009 में, एक बड़ी चुनौती उन्होंने भजनलाल परिवार के कुलदीप बिश्नोई को दी थी, तो ऐसे में एक दावेदारी मजबूत है। लेकिन ये देखना होगा कि आदमपुर की जनता को कितना अपनी ओर आकर्षित वो कर पाए हैं और कितने वोट वो हासिल कर पाएंगे इस क्षेत्र में। और वहीं अगर बात करें कोडाराम नंबरदार की, तो साफ छवि वाले एक स्थानीय नेता जरूर हैं, किसान आंदोलन में काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी उन्होंने, और इसी वजह से इनेलो ने उन्हें मौका पाते ही अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं सत्येंद्र सिंह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि इन पर कितना भरोसा जताती है जनता, क्योंकि वहीं हमारी सहयोगी ज्योति सांगवान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, आदमपुर में ही वो मौजूद हैं, और उनसे भी जानकारी लेते हैं क्या कुछ ताजा हालात आदमपुर में। ज्योति, क्या कुछ दिखाई दे रहा है फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है आदमपुर से? देखिए हितेंद्र, लगातार हम आदमपुर बाय इलेक्शन की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से वोटिंग का सिलसिला जारी है। अब तक सबसे पहले अपडेट हम दे दें कि सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 10.50 यानी 10.5% लोग आदमपुर के अभी तक वोट कर चुके हैं। कोहली गांव में हम 75, 76, 77 ये पोलिंग बूथ हैं, 3 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं गांव में, लोग वोटिंग के लिए देखिए कतारों में लगे हैं। इतना तो क्लियर है कि सुबह से लोग भारी उत्साह के साथ भारी संख्या में लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत का हम प्रयास करते हैं। डाल चुके हैं आप? डाले हैं जी। अच्छा, क्या मुद्दे रहे आदमपुर के इस बार? आदमपुर में टक्कर दोया की है। अच्छा। एक तो दलाला पत्ते की। अच्छा। और एक जेपी की, दो ही टक्कर है, किशोर जी जी ये बताना। ठीक है, टक्कर आप मान रहे हैं, मुद्दे क्या रहे आदमपुर के? मुद्दे तो यही है जी, बेरोजगारी है, काम नहीं हो रहे शहर में लगातार, और बहुत सारे है। अच्छा। जनता थोड़ी परिवारवाद से भी तंग आ चुकी है, ये मुद्दे है, बाकी टक्कर दो ही है जी, कोई टक्कर दो ही है, किशोर जी टक्कर आप मान रहे हैं। अच्छा, जी जी अब जाइए। अच्छा, आप क्या सोच कर आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे, लाइन में आप लगे हैं? मुद्दा मादा तो जी मेरा पट जाएगा, मुद्दा तो यही बस रोजगारी है, बेरोजगारी हो रही है, और के मुद्दा बेरोजगारी है। ठीक है, आम जनता परेशान हो रही है, और के टक्कर तो जेपी की, बस बीजेपी रहनी है जी। आप भी चूंकि वोटिंग के लिए कतार में लगे हैं, आदमपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा जी बस ये दो की टक्कर है और यही है। वोटर के नाते आप क्या सोचते हैं, किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं? हम तो जी बेरोजगार मिल जाए, यही है, कोई काम अब तक रोजगार नहीं मिला, नहीं काम भी नहीं हुआ आदमपुर में, क्या नहीं हुआ है अभी तक, तो काम नहीं हुआ है, अब कोई सहायता हो सकती है जीतने से। काम हुआ आदमपुर में अभी तक? ना जी, कुछ नहीं हुआ। इस उपचुनाव से कोई उम्मीद है आगे होगा? देखो जी, बीजेपी की सरकार है, काम तो होगा। आदमपुर की जनता के, आदमपुर के वोटर्स के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर काम होना चाहिए था, या फिर कैंपेन जी? चलिए, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ लोग बात करने को तैयार नहीं है। क्या कुछ मुद्दे, क्या इश्यूज आदमपुर के जिनको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, जिनको लेकर कैंपेनिंग में भी बात हुई, या फिर आदमपुर की जनता चाहती है उन पर काम हो? आदमपुर की जनता चाहती है कि काम हो, ठीक है, बट कुलदीप बिश्नोई कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए जेपी को वोट मिलेगा। चलिए देखिए, वोट किसको डालेंगे ये हम किसी से नहीं पूछ रहे, हम जानने की कोशिश में भी नहीं, लेकिन लोग खुद से भी जो भी बताना चाहें, हम मुद्दों को लेकर ही केवल आज बात कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे, क्या काम होना चाहिए था, या फिर काम क्या काम हो इसकी आप उम्मीद करते हैं इस इलेक्शन से? हुआ नहीं, काम होगा जी, अब काम हुआ, अभी तक हुआ नहीं, थोड़ा बहुत नॉर्मल काम हुआ है, अब सरकार में होने के बाद काम होगा। आपके बार सरकार के साथ जाएगा आदमपुर तो काम होगा, आप क्या कहेंगे? हम तो सरकार के खिलाफ रहेंगे, और हमारे जयप्रकाश सत्य हैं, काम करवाएंगे, कुलदीप नहीं काम करवाएगा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं आदमपुर को जो चुनाव के से? तो के जी, सिस्टम गोल हो रहा है आदमपुर का, तो सिस्टम गोल हो रहा है, यहाँ पे कुछ निर्माण तो है नहीं है किसी चीज का, इसीलिए लोग खिलाफत में है, सरकार के भी खिलाफ में है। तो क्या विपक्ष में रहने का नुकसान हुआ, क्योंकि सालों से दशकों से विपक्ष में रहा आदमपुर? विपक्ष की मतलब होना चाहिए, बंदम दम होना चाहिए, विपक्ष में भी काम हुआ है। हाँ, ये बात एक सिर्फ एक बहाना बनाने की बात है, ये मान लो आपका स्वार्थ खतरा गया है, और आवे
इनका सिस्टम गोल है, लेकिन अगर विपक्ष में भी दम हुआ तो काम वो वहाँ पर भी होते हैं, काम नहीं हुआ नहीं है कोई सरकार के साथ में और है। तो आप वोटिंग के लिए लाइन में लगे हैं, आप काम हो आदमपुर का विकास हो ये सोच कर आए गए हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे किसी भी उम्मीदवार को किसी पार्टी। मेरी बात सुनो, यहाँ पर 26 साल हो गए कोई विकास नहीं हुआ, ये सरकार दूर है हो रहे है यो है वो काम है ठीक है, लेकिन जयप्रकाश एक बात करें 12 महीना खातर वोट दे दो मैंने, अगर मैं विपक्ष में हूँ अगर तेरा काम नहीं हुआ तो मैंने आगे 2024 में वोट ना दियो। हाँ ये बात है जी, क्यों ये काम होगा जी सरकार में रहो तो काम से दो संसद में जाओ, संसद में जाओ ही नहीं। चलिए सभी की देखिए अपनी राय है, सभी का अपना मानना है, वोटर्स क्या सोचते हैं इसे लेकर हम बात कर रहे हैं। आप भी आइए आगे आदमपुर की जनता के, चूंकि देखिए उपचुनाव है, 2 साल बाद चुनाव फिर से होने हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाए, आप उम्मीद करते हैं कि जो भी विधायक चुनकर आए इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे? हम मुद्दे पे नहीं देते जी, भव्य बिश्नोई आप उम्मीदवार को वोट बिल्कुल ज्योति मैं आऊंगा आपके पास और आप बने रहिएगा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच रुख एक बड़ी खबर की ओर करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़ी खबर सामने आई है आदमपुर उपचुनाव को लेकर के, मतदान लगातार जारी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आदमपुर उपचुनाव को लेकर के, मतदान लगातार जारी है आदमपुर में, सुबह 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे में 10.5% मतदान हुआ है, 10.5% मतदान हो चुका है 9 बजे तक, हालांकि 9 बजे तक का आंकड़ा है, उसके बाद 46 मिनट और भी अतिरिक्त हो चुके हैं और तेजी से मतदान जो है वो, ज्योति सांगवान को आपने देखा जिस तरह से वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से लंबी कतारों में लोग वहां पर खड़े हुए हैं और साफ तौर पर मतदाताओं का रुझान भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, उससे पता चलता है कि कितना कड़ा ये मुकाबला है। ज्योति सांगवान हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ज्योति ताजा जो अपडेट सामने आई 9 बजे तक का, हालांकि आंकड़ा आया है 10.5% तक मतदान जो है वो हो चुका है, लेकिन जो आप मतदाताओं से बात कर रही हैं उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कितना दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। बिल्कुल देखिए सुबह से उत्साह है लोगों में, क्योंकि आप जानते हैं कि छुट्टी तो रहती है, मैं लगातार तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि जो ये बिल्डिंग है हितेंद्र, इसमें 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कोहली गांव एक है और इसमें 75, 76 और 77 यानी 3 पोलिंग बूथ इसी बिल्डिंग में, ये स्कूल है जिसमें कोहली गांव में 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों से हम बात करें। जी नमस्कार, कैसे देख रहे हैं आदमपुर के बाय इलेक्शन को? ठीक है, बढ़िया, लोग सुबह सुबह लगे हुए लाइन में, काफी उत्साह है वोटर्स में। जी जी जी, आप काफी उत्साह, क्या कहता है उत्साह, किस मुद्दे को लेकर या किस बात को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं? लोग महंगाई के खिलाफ भी है, बेरोजगारी के खिलाफ भी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है लोग, और कुलदीप बिश्नोई जी के उस मैटर पे भी आज जरूरत नहीं थी तो पोल की, तो उन्होंने पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, तो कोई बेवफा नहीं हो जाता। नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष में रहकर काम नहीं हो पाया, दशकों से तो विपक्ष में था आदमपुर। विपक्ष में भी काम हो सकता है, मैं कर्मचारी संगठन का प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने 3,65,000 लोगों को प्लाट दिलवाए थे, 10 लाख लोगों को मैंने घरों में पानी का कनेक्शन दिलवा दिया, तो विपक्ष में तो बहुत काम हो सकता है। हो सकता था, काम किया नहीं गया, ठीक है, चलिए जो भी बात करेगा हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वोटिंग करने आप आए हैं और क्या सोच कर आए हैं, क्या सोच कर चले घर से? हम वोट डालना है हमें और अच्छे सरकार में काम होंगे, अच्छे बढ़िया सरकार के साथ जाना ही कह रहे हैं, विकास होगा, विकास होगा जी, ये देखो आप कितने काम हो रहे हैं, कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन रही है, अच्छा काम हो रहा है सरकार में, अच्छा मतलब बढ़िया होगा, बाद में और सरकार के साथ में और अच्छा काम होगा। खट्टर साहब, सरकार के साथ आदमपुर के नहीं होने का नुकसान उठाना पड़ा आप लोगों को? पीछे क्या जी, सरकार में हम नहीं थे, अब भागीदारी सरकार में होगी हमें और काम होगा अच्छा, कुलदीप भाई साहब के साथ हम और अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम चल रहा है खट्टर सरकार। अच्छा वोटर के नाते आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसा काम है जो कि आदमपुर के लिए होना चाहिए? आदमपुर के लिए गांव में काम होना चाहिए, की तरफ देख के जैसे वाटर वर्क्स होंगे, डिग्गियों का बुरा हाल है, उसकी सफाई होनी चाहिए, खेतों के नाले वाले सब फूटे हुए हैं, वो काम होना चाहिए, अब सरकार के साथ रहेंगे तो और अच्छे होंगे, स्कूलों में काम होने ही लग रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो अभी तक काम नहीं हो पाया था? नहीं, काम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब सरकार के साथ रहेंगे तो और ज्यादा होगा। आप क्या मानते हैं आदमपुर का विकास? देखिए मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी जेडी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हितेंद्र हमारे दर्शक की तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर भी हम जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफी लंबी लंबी कतारें हैं, लगातार लंबी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा क्या काम, क्या ऐसा प्रोजेक्ट हो, क्या विकास कार्य हो जो आदमपुर के लिए होना चाहिए? सबसे बड़ा तो किसान के लिए होना चाहिए, किसान के जो खेत है नाले है पक्के होना चाहिए सब, ताकि उसका पानी बर्बाद ना हो, उसकी सिंचाई सही तरीके से हो जाए। किसानों के लिए काम हुआ अब तक आदमपुर में? आदमपुर में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ किसानों के लिए,
आगे शायद होगा, सरकार में साथ होगा, तो अभी तक तो कुछ नहीं। तो देखिए हितेंद्र, ये बहुत दिलचस्प बात है अपने आप में कि कुलदीप बिश्नोई कैंपेनिंग के दौरान बार बार ये हम हालांकि चूंकि अभी आचार संहिता लग चुकी है, लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, हम किसी के दावे और वादे को लेकर तो बात नहीं करेंगे, हम केवल आदमपुर के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। और हम जानते हैं कि वोटर जब अपना मुद्दा या अपने हलके का मुद्दा बताता है, उससे कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि वोटर्स के जहन में क्या है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काम नहीं हो पाया चूंकि आदमपुर सरकार के साथ नहीं था। कुछ का ये भी मानना है कि विधायक अगर करवाना चाहे तो विधायक करवा भी सकते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, काम हुआ आदमपुर में अब तक? हाँ जी, काम अभी चल रहा है मैम, और जैसे कि 74 करोड़ रुपए अभी पास हुए हैं आदमपुर में, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, सीवरेज कार्य चल रहा है, पानी की निकासी चल रही है, अच्छा कार्य हो रहा है। मैं इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, आज देखकर स्कूल बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों का भी बहुत वेलकम है, कोली में पहुंचे आप लोग और यहाँ स्वागत देखिए, और इतना विकास कार्य चल रहा है मैम, और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि विकास कार्य बहुत जोरों शोरों से होगा। जैसे कि माननीय आदरणीय खट्टर साहब बोलकर गए हैं कि 2 साल के अंदर ऐसा कार्य कर दूंगा जो चौधरी भल्लाल जी ने भी नहीं किया होगा ऐसा कार्य, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्य अच्छा होगा आदमपुर के लिए। थैंक यू। उपचुनाव से क्या हासिल होगा आदमपुर को? कार्यों, विकास कार्यों में रफ्तार बढ़ेगी, जो चल रहे हैं वो ज्यादा उसमें तेजी आएगी काम में, यही हो। अभी तक रफ्तार कम थी, थोड़ी स्लो थी। अच्छा, आप लोगों ने चुनाव प्रचार भी देखा, आपसे बात शायद कर चुके हैं, चलिए महिलाओं की तरफ हम जाएंगे जेडी, क्योंकि देखिए महिलाओं की कितनी लंबी कतार के हितेंद्र, हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे कि महिला शक्ति भी कितनी जागरूक है वोटिंग को लेकर। अमूमन ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं घर के जो पुरुष जो भी डिसाइड करते हैं कि कहां वोट करना है, किसे वोट करना है, ये तमाम बातें पुरुषों की ओर से डिसाइड की जाती हैं, लेकिन यहां महिलाएं वोटिंग में कम से कम पीछे नहीं हैं। बातें हालांकि बहुत कम करती हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे अगर वो बात करें बताएं कुछ क्या सोचकर आई है, क्या काम होना चाहिए आदमपुर के लिए, बात करेंगे आप? जो पहले हमने कहा कि महिलाएं बात बहुत कम करती हैं, काम हुआ आदमपुर में? जेंट्स से बात कर लिया जी। नहीं, आप क्यों नहीं बात करेंगी, वोट तो आपका भी है ना। वोट डिसाइड करेगा कौन विधायक बनेगा। ज्योति, अगर हाल ही की बात करें तो आधा अधिकार ही नहीं है। टक्कर है जी, टक्कर और बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति, अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो आधा अधिकार इन्हें दिया गया है, 50% तक चुनाव लड़ने का अधिकार इनको दिया गया है, अगर बोलेंगी नहीं तो कैसे काम चलेगा आगे। अब इनकी भागीदारी जो है वो ज्यादा बढ़ने वाली है, पुरुषों पर कब तक डिपेंड रहेंगी महिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, पंचायत चुनाव में देखिए इनकी भागीदारी को बढ़ाया गया है सरकार की ओर से, तो ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं हितेंद्र, और लंबी कतारें लगी है। इससे इतना तो साफ अभी है कि हमने बताया कि 10.5% सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है, 11 बजे एक बार फिर से चुनाव आयोग की ओर से आंकड़ा दिया जाएगा, तो लोगों में भारी उत्साह है, वोटिंग प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है, इतना तो साफ है। क्या कुछ मुद्दे हैं आदमपुर के? बढ़िया जी, इसका मुद्दा और क्या है, विकास हुआ है, आप क्या कह रहे हो? फिलहाल तो कोई विकास को नहीं है, पानी भरिया पड़िया मार तो काम में। अच्छा। मार तो यही काम चाहिए था, पानी निकास हो, सारा डांगर पशु सारा दुविधा में ही है। अच्छा। जे अब कोई विकास हो जाएगा तो देखो। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, तो वोटिंग करने आ रही है।